सपरिता आजम खान पर आयकर विभाग की बात, प्रवर्तन निदेशालय का भी शिकंजा कस सकता है। आयकर विभाग को आजम और उनके करीबियों के घरों पर हुई छापेमारी के दौरान कई वित्तीय अनियमितताओं का पता लगा था। इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग ने ईडी को भेज दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जौहरी यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की काली कमाई लगाई गई थी। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की काली कमाई लगाई थी, ये खुलासा आयकर विभाग ने किया है। आयकर विभाग ने ईडी को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसी कई कंपनियों ने भी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए का दान दिया था जो अस्तित्व में ही नहीं है। आपको बता दें कि रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान की शिकायत की थी, वही पिछले कई सालों से इस मामले की पैरवी कर रहे थे। हाल ही में 13 सितंबर को आयकर विभाग ने आजम के 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। रामपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ में हुई ये छापेमारी 3 दिनों तक चली थी। आयकर विभाग ने जांच रिपोर्ट में कहा है कि आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी में बनी 2 इमारतों के ही निर्माण की मंजूरी ली थी, जबकि यूनिवर्सिटी में 59 इमारतों का निर्माण किया गया। वहीं आजम अपनी यूनिवर्सिटी की कीमत 46 करोड़ रुपए बताते हैं, जबकि इन इमारतों की वास्तविक कीमत 494 करोड़ रुपए है। इस तरह 450 करोड़ रुपए के वारे न्यारे किए गए। बताया जा रहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में 88 करोड़ रुपए जल निगम, लोक निर्माण विभाग जैसी सरकारी विभागों के लगे हुए हैं, जिनसे अलग अलग योजनाओं के तहत काम करवाए गए हैं। आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ईडी, पीएमएलए और फेमा के तहत केस दर्ज कर सकती है, क्योंकि ये सभी लेन देन गैर कानूनी तरीके से हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।